देखो, मैं हूँ ईजान और मेरे साथ आज अरबाज भाई। आज अरबाज भाई मेरे घर खुद आ गए और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं मंडी। कौन सी मंडी जाना है भाई? अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी हमें नेवल जाना है। नेवल जा रहे हैं, लेकिन सब सोच रहे हैं यार हम लोग बार बार नेवल क्यों जा रहे हैं। अभी कुछ ऐसा सीन है कि अभी जो है ना इलाके में कहीं मतलब छोटी मोटी मंडियाँ यहाँ पे लगी नहीं है, तो अभी हम फिलहाल तो यहाँ पे नेवल का शूट, और वहाँ पे जितने व्यापारी हैं वो हम लोग को बार बार बुला रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हम लोग जाते हैं 5 बजे के टाइम और 2 घंटा शूट करते हैं, जिसमें हम लोग हद से ज़्यादा 2 दुकान 2 बाड़ों को कवर कर पाते हैं। सीन है, इसीलिए आज जाएंगे और आज के सीन में क्या दिखाएंगे? दोबारा से जानवर, वही जानवर, और कुछ भी नहीं दिखाने वाले, सिर्फ जानवर देखेंगे। आप लोग को पूरी डिटेल शेयर करेंगे भाई, कौन सा जानवर कितने तक आ रहा है, अब मंडी बढ़ रही है या मंडी कम हो रही है, इस बात का आप लोग कमेंट में बताएंगे। ऐसा ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही। तो अभी हम लोग रेडी हैं भाई, इधर अरबाज भाई की भी बाइक खड़ी है, इधर मेरी भी बाइक खड़ी है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे, भाई को पिक कोचिंग ड्रॉप करूँगा और उसके बाद मंडी और फिर रास्ते की क्लिप्स वगैरह शेयर करेंगे इनसे। रास्ते के भी क्लिप्स हम शेयर कर लेंगे कि रास्ते के क्या मामला होते हैं, और बेस्ट बॉर्डर बेस्ट जैसे लगता है हम लोगों के ऊपर, हमारी हालात कैसी होती है मतलब जाने में। मंडी का रास्ता बहुत खराब है, जब हम रास्ते में शूट करते हैं तो लोगों के जो है मतलब रिएक्शन क्या होते हैं, वो हमें कैसा किस नज़र से देख रहे होते हैं, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। तो इसीलिए हमारे व्लॉग के साथ अभी एंड तक जुड़े रहेगा और आगे हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। चुके हैं मतलब ये सामने मंडी आ चुकी है और इतनी ज़्यादा पोल्यूशन थी कि हमें यहाँ पर मंडी भी नज़र नहीं आ रहा था, कि हम यहाँ पर आगे निकल जाते पोल्यूशन की वजह से। मतलब इतनी धूल मट्टी है कि रोड की हालत इतनी ख़राब है कि हमें यहाँ पर कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि आगे मंडी आ चुकी है और हम यहाँ से आगे निकलने वाले थे। तो अचानक से हमारे जान भाई को नज़र आ गया कि मंडी आ चुकी है, तो उन्होंने गड्ढे इतने ले लग रहे हम लोग गधे गाड़ी पर जा रहे हैं। हाँ, तो भाई जान भाई कह रहे कि यहाँ पर गड्ढे इतने लग रहे हैं, हम यहाँ पर गधे गाड़ी पर जा रहे हैं, मतलब इतने अप्स एंड डाउन, इतने ज़्यादा गड्ढे हैं कि हम काम ही नहीं कर रहे गाड़ी। तो हमारे जान भाई के गाड़ी का जो जंप है वो भी मतलब जवाब दे चुका है, एक्सपायर हो गया कि वो बोल रहा भाई मुझे माफ़ कर दो, अब मैं और काम नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे, गड्ढे जो यहाँ पर इतने ज़्यादा है। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मंडी, यहाँ पर रोड की हालत है, ये मंडी की गली आ गया भाई। तो गाइस यहाँ पर हम मंडी की ये गली भी पहुँच चुके हैं, हम मंडी के अंदर यहाँ पर इंटर हो चुके हैं। अब हम आपको आगे के मामला दिखाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ क्या दिख रहा है, भैंसे यहाँ पर। तो गाइस आपको ये सबसे पहले ये यहाँ पर भैंसे नज़र आएंगी, मतलब ये इनका परमानेंट बाड़ा है जहाँ पर ये 12 महीने मतलब दूध वगैरह का बिजनेस करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर भैंस नज़र आएगी, और यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर जगह भी खाली नज़र आ रही होगी, यहाँ पर बिल्कुल नहीं दिखेगी बकरी में, वो टोटली यहाँ पर फुल हो चुकी होगी, यहाँ पर कोई भी यहाँ जगह बाकी नहीं रहेगी। ये गाइस ये आप देख सकते हैं ये बच्चियाँ मौजूद है, इसे इसकी भी व्लॉग हमने यहाँ पर बना के डाल दिए पहले। और यहाँ पर जो कुछ सामने आपको बाड़े दिख रहे हैं, दो ऊंट भी नज़र आ रहे हैं आपको, इसकी भी व्लॉग हमने यहाँ पर बना के डाल दिए। अब हम मंडी के कुछ अंदर साइड जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि अंदर के मामला क्या है, अंदर क्या हालात है।
अभी हम लोग मंडी पहुंच चुके हैं। मंडी पहुंचने के बाद हमारे पीछे एक यामिन सर खड़े हुए, इनके पास 9 बछड़े हैं। सही है बात भाई, इनके पास 9 बछड़े। इनका कहना है कि इनके पास 1.5 लाख से लेकर 3.5 लाख तक के बछड़े हैं, और यहाँ पे बड़े बड़े बछड़े दिखे। अभी इनके पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं कौन सा बछड़ा इनको कितने तक देना है, और किस बछड़े को ये पाले हुए या गाँव से लाए हुए या जंगल के बछड़े हैं, किस तरह के बछड़े, इनसे अभी बात करते हैं और आके आपको बछड़े की वीडियोज़ वगैरह शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद यामिन। मोहम्मद यामिन, ये सारे बछड़े आपके हैं? हाँ हाँ भाई। यानी कि ये आपने बताया कि 9 बछड़े? 9 बछड़े ये पाले हुए हैं गाँव वगैरह से? लाए गाँव के पाले हैं। गाँव के पाले हैं, खरीदे नहीं है? यानी कि ये आपके अपने बछड़े हैं? 9 बछड़े हैं। सबसे बड़ा बछड़ा इनमें से आपके हिसाब से कौन सा है? ये वाला। कितने का देना है ये बछड़ा आपको? 3,20,000 फाइनल या डिस्काउंट है? फाइनल है 10,20,000 रुपया डिस्काउंट तो होगा। तो ये कितने दांत का है? 2 है। 2.5 दांत के हैं। तो गाइज इनके पास यहाँ पर 2.5 दांत के बछड़े मौजूद हैं, और इनका सबसे बड़ा वाला जो बछड़ा है वो ये सामने आपके खड़ा हुआ है। कितना होगा? 10 मन पूरा होगा। ये कौन सी नस्ल का है? मुल्तानी नस्ल का। और इससे छोटा कौन सा है? और ये वाला भी आपका बछड़ा है? ये कितने का दे रहे हैं? 2.5 लाख रुपये। तो ये भी 2 दांत का है? 2.5। ये कौन सी नस्ल का है? शेरखवान नसल का है भाई। ये तो हमने पहली मरतबा सुना है। कौन सा नसल है? शेरखवान। अच्छा, ये एक अच्छी ब्रीड है या ऐसी है? अच्छी है, मतलब ये अच्छी तो नसल है। ये वजन कितना होगा? 7 मन हो गया। 8 या 7 मन? 7 मन, 7 या 8 मन इसका मतलब वजन है। इसके बाद ये आपके और कौन से? ये वाला ये वाला भी आपका है? हाँ। ये कितने का देना है? अरे 8.5 लाख का देना है। 2.5 लाख? 2,50,000। फाइनल क्या आएंगे इसके? 2 तक अगर कोई इसके 2 लगाए, 2 में बात बनेगी इसकी। ये कौन सी नस्ल का है? ये भी शेखवान। अच्छा, ये जो है ना वो शेखवान का है। अच्छा, मुल्तान का है। इसका वजन कितना है? साढ़े सात वजन होगा। तो ये भी माशाल्लाह सर वाले खूबसूरत लग रहा है। हाँ, ये खूबसूरत बछड़ा नजर आ रहा है इनके पास। माशाल्लाह से सारे खूबसूरत यहाँ पर बछड़े आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगला इनके पास जो बछड़े हैं वो सारे बड़े बछड़े हैं। 2.5 लाख रुपये इनके पास। ये भी 2 दांत का? 2 दांत है। सारे बछड़े इनके पास 2 दांत के? 4 है, 2 नहीं है। ये चार है। ये 4 दांत। इसकी क्या कीमत मांग रहे हैं? 2.5। इसके इसको 2 में देने का इरादा है? 2 में नहीं, 2.20। 2.20 मिलेगा, 30 मिलेगा, ये मिलेगा। अच्छा, 2.20 तक देने का इरादा है? 2 में नहीं। इसका कितना वजन होगा? तो 9 मन। 9 मन होगा? 9 मन होगा भाई। 9 मन, 9 मन इसकी इसका जो वजन वाला जानवर है। ये थोड़ा छोटा लग रहा है और डरा हुआ भी लग रहा है। 6 मन है, 6 मन। लेकिन ये खूबसूरत है, ये से मतलब ये भी बछड़ा इनका काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है। लग रहा है ये अभी उतारे क्या इसको, मतलब ये थोड़ा मिलेगा 2.20 में मिलेगा। ये गुस्से में क्यों है इतना गुस्से में क्यों? इसको अभी उतारे हो क्या, मतलब डरा हुआ है काफ़ी। अच्छा, ये कितने तक देने का इरादा है? अब 2.20। 2.20 फाइनल? 1.80। 1.80। तो इसका कितना वजन होगा? 6 मन हो गया। 6 मन होगा। और ये भी खूबसूरत लग रहा है अरवाजी जानवर। अम्बलखा। हाँ, ये कल असल सुनी थी कल के ब्लॉग के अंदर। अम्बलखा जो भाई, मैंने तो पहली मतलब सुनी है। ये गरीब जानवर है, गरीब है, ये गरीब है जानवर। कुछ नहीं करेगा, जाओ आगे। 2 है, अभी हो गया है। 2 दांत का अभी हुआ है? अभी हुआ है। अच्छा, यानी कि पहले खीरा था ये। अच्छा, ये कितने तक देने का इरादा है? 3 दांत। भाई पहले खीरा ही होता है जानवर, फिर उसके 2 दांत होते हैं। पहले खीरा था क्या मतलब? यानी कि अभी हुआ है ना? तो अभी होगा ना, मतलब जब पैदा हुआ था उस वक्त तो 2 दांत ही होगा ना इसका। अभी 2 हो गया है। 3 लाख रुपये मांग रहे हैं इसके। 2.5 में? कितना वजन होगा इसका? इसके भी भाई 8-9 मन होंगे, मतलब 8-9 मन। हाँ, काफ़ी बड़ा लग रहा है। गंदा शंदा हो रहा है, नहलाएंगे? हाँ, मतलब इसको अगर इसको थोड़ा मतलब नहलाया जाए तो इसके जो कलर है वो काफ़ी धब्बे लगे हुए, खिलना शुरू हो जाएगा, इसके कलर नज़र आए। ये कितने बताया आपने इसके? 2.5? 3 लाख रुपये बताए। तो इनके ये 3 लाख रुपये डिमांड कर रहे हैं। 3 लाख रुपये? जी। और इसके पीछे आपका जानवर है? ये दोनों जानवर, ये ब्लैक वाला भी आपका है? ये ये
उधर से चल के दिखाएंगे और बाद में उधर आ जाइए। सही है ना, उनको उधर ही खड़े हैं। अबे यार ये तो गाइस आप देख सकते हैं, यहाँ से गुजरना मतलब सबसे डेंजरस वे होता है, मतलब यहाँ से इसको पार करना, इसको पार करने में जो हालत ख़राब हो जाती है, मतलब ये सबसे ख़तरनाक रास्ता है जो मतलब हमारे नज़र में तो दुनिया का सबसे ख़तरनाक रास्ता होता है ये, इसको पार करना। मतलब इधर भी गाय है और इधर भी गाय है, और मतलब यहाँ पे बीच पे आप गोबर भी है, मतलब आपका ज़रा सा पैर स्लिप हो आप जाके किसी ना किसी जानवर के ऊपर गिर जाएंगे और वहाँ आपको एक लात, एक खूबसूरत किस्म का जो है लात रसीद करेगा। ये आपका है? मेरा। इसका हम लोगों ने बात की, इसकी इसको कितने का देने का इरादा है? 240। धूम मार दिया भाई इसने, 240। ये 40 लगाएगा, 140। तो गाइस यहाँ पर एक फाइनल कितने का? चाचा क्या बोल रहे, 140 लगाओगे इनका? चाचा क्या बोल रहे, 220। चाचा कह रहे 140 लगाओगे, 140। अच्छा दो लगाओगे? ये चाचा ने इनके 140 लगा दिए हैं, नहीं है वो तो इन्होंने अभी जायज लगाए 140, मगर वो कहते हैं कि नहीं दो कितना कह रहे चाचा? 4.5-5 से ऊपर का बछड़ा थोड़ा ही है, वो कहते हैं 2-2.5 लाख में देंगे, चाचा ने 140 लगाए इसके, कहने की ये बोल रहे फाइनल 220 में दूंगा ये वाला। चाचा ने 140 लगा दिए, जायज लगा दिए चाचा ने भी, मतलब कोई इतने कम रेट नहीं लगाए, लेकिन ये सफेद जोड़ा कितने का देगा? इनका नहीं है चाचा, ये 7 मन इसका वजन है और ये 220 तक। चाचा ने 140 लगा दिए इसके, चाचा लेना चाह रहे हैं लेकिन चाचा ने 140 लगा दिए, लेकिन ये भाई बोल रहे हैं इसके 2,20,000 रुपए फाइनल, कम का नहीं देंगे। चाचा कहते हैं मूड नहीं है इसका, मूड मतलब अभी ये इंतजार में कि आगे पार्टी आएगी। मैं बेटा 10-12 जानवर काट के बांटता हूँ। अच्छा अभी मंडी क्या चल रहा है आपके हिसाब से? अभी इनका मूड नहीं है ना, मतलब अभी दिन ज्यादा है ना, हाँ तो ये सोच रहे कि आगे जब लोग आएंगे तो लेके जाएंगे, मतलब हाँ ये हिसाब किताब है, मूड नहीं है। बहुत खर्चा है ज्यादा, मैंने इसको पाला है। इनका कहना है कि ये सारे जानवर पले हुए इनके घर के, सभी पले हुए होते हैं, कोई डायरेक्ट तो आता ही नहीं है, है? मैं गलत कह रहा हूँ? सभी पालते हैं भाई, कोई वो नहीं बोलते कि हाथ से खिलाते, कोई पांच से, तो कोई भी नहीं खिलाता। अच्छा इसके अलावा क्या छोटे जानवर कौन से आप बता रहे थे? तो ये थोड़ा रास्ता बनाइए हम लोग के जाने का। तो ये चाचा थोड़ा यहाँ पे एंग्री हो गए, मतलब नाराज हो गए हैं, क्योंकि कहते हैं इन्होंने कहा ये घर का पला हुआ जानवर है, तो चाचा कहते हैं कि भाई सभी घर का पला हुआ होता है, कोई मतलब ऐसी नहीं पलता है, ऊपर से नहीं आता, सब घर के मतलब सभी पले हुए होते हैं, कोई खुद ही बड़ा नहीं हो जाता है। और बाद में इधर आ गए भाई, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है यहाँ से इसको पार करना। तो गाइस यहाँ पे बहुत ही मुश्किल हुई हमें यहाँ तक आने में, वहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस से हमें तय से। अच्छा ये दोनों आपके हैं और इसके 2 लाख रुपए मांग रहे हैं और इसके 170, ये दोनों भी दो दो दांत के हैं। अच्छा इसका वजन कितना होगा? 7 मन। और इसका? 6 मन। दोनों के फाइनल है, इसकी 170 बोले तो 1.5 तक दे दो, यानी क्या? यानी कि बात बन जाएगी 1.5 तक, वैसे 1.5 का सही अरबाज भाई ये जानवर मिलेगा। अच्छा यानी क्या डिस्काउंट नहीं है इसमें? अब मिलेगा। अच्छा 10,000 रुपये डिस्काउंट है। तो अभी चाचा से बात करते हैं कौन से जानवर के, तो अभी चाचा से बात करते हैं, इनका नंबर वगैरह पूछते हैं और इनके बाड़े का नाम पूछते हैं, अगर किसी को पसंद आएगा तो वो आ जाएगा। अच्छा इनका फोन नंबर है भाई 03-43-43-52-52-14-14-210-210। चाचा अगर कोई वीडियो देख के आता है आपके पास और बताता है वीडियो देख के आए, तो उसके लिए कोई डिस्काउंट तो होगा? इंशाल्लाह डिस्काउंट देंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपके साथ वीडियो बनाकर। इनके पास ये सारे, इनके पास टोटल 9 बछड़े मौजूद थे, आपको सबके रेट हमने यहाँ पे बताया, मतलब इनके पास 3.5 लाख से लेके 1.5 लाख तक के यहाँ पे बछड़े मौजूद हैं, और ये कहते हैं कि सारे इनके बछड़े जो है ये घर के पले में हैं। मेडिसिन वगैरह तो नहीं लगाई थी ना चाचा? ईमानदारी की बात है। तो गाइस ये कहते हैं कि कोई मेडिसिन यूज़ नहीं है, नेचुरली सारे नेचुरल डाइट पर इनके बछड़े हैं, और आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इनके पास यहाँ पे बछड़े मौजूद हैं। और ये कलर अच्छा है भाई,
इनका नंबर भी हम लोगों ने दे दिया, अगर आपको किसी को भी जानवर कोई पसंद आ रहा है तो इनसे कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हैं। यहाँ पे जो हम आए मतलब हम थोड़ी अंदर के साइड आए हैं, अभी मंडी के एंड पे आए हैं, तो यहाँ पे जो रेट है थोड़ा यहाँ पे कम है। मतलब हमने जो पहले शुरू में जो रेट का पता किया था वो काफी ज्यादा हाई है, मतलब इतने बड़े बछड़े के। ये चाचा ने कितने बताए थे इसके, 3.5 3 इन्होंने 3 बताया, मगर इसी बछड़े के जो पीछे साइड है वो मतलब मंडी के शुरू में 8-6 लाख रुपए तक के डिमांड, 5 तक देने का इरादा है। मतलब इतने बार्गेनिंग भी नहीं कर रहे, 5 लाख रुपए तक के आ रहे, 4 लाख रुपए। तो इन्होंने यहाँ पे स्टार्टिंग इसकी 3-3.5 लाख। लेकिन चाचा ने भी एक दो जानवर के ज्यादा रेट बताए, मतलब इनका रेट है ज्यादा, मगर बार्गेनिंग कर लेंगे अगर कोई लेना चाहेगा तो। मतलब बताने वाले रेट में तो ऐसा है नहीं कि कोई ले लेगा। आवाम की भी आवाज भाई आदत होती है, आधा रेट बोलती है आवाम भी, मतलब एक से बढ़ के एक वाली हिसाब किताब है। जब ये 3 कह रहे तो वो कहेंगे कि 1 ले लो, 1 20 ले लो, 1.5 ले लो, तो ऐसे मतलब होता है ना चाचा। तो बीच का यहाँ पे रास्ता निकलता है कोई, मतलब अगर ये 3 कह रहे तो 2-2.5 लाख में फाइनल हो जाएगा, 2.60 में हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसी तरह चलते हैं आसपास के और दूसरी इकाइयां दिखाते हैं इनको और दिखाते हैं वो लोग क्या डिमांड कर रहे हैं। हम यहाँ पर एक और जगह आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी माशाल्लाह से काफी खूबसूरत जानवर मौजूद है। तो इनके पास भी यहाँ पर तकरीबन 60 से लेकर 70 तक जानवर मौजूद है, और इनका भी ये अपना बाड़ा है, आपका अपना बाड़ा है, तो इनका भी ये अपना बाड़ा है। कितने से ले कितने तक गाइस देख सकते हैं, इनके पास भी काफी खूबसूरत जानवर मौजूद है, 2 लाख से 6 लाख तक है इनके पास, और 2 लाख से लेके यहाँ पर 6 लाख तक के इनके पास जानवर है। और यहाँ पे ये थोड़े सिब्बी भी आपको, ये कितने टोटल 2, 4, 6 सिब्बी यहाँ पे इन्होंने लाइन से खड़े किए, ये भी माशाल्लाह से काफी खूबसूरत है। इसमें से 3 नुखरे हैं, नुखरे भी हैं, मतलब 3 नुखरे ये देखो भारी बच्चे। तो गाइज ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत जानवर इनके पास मौजूद है। और कितने जानवर हैं, 60 जानवर। तो 60 जानवर इनके पास भी यहाँ पर मौजूद है, और सारे ही माशाल्लाह से खूबसूरत जानवर है, कलर वाले जानवर है, जिसमें इनके पास सिब्बी भी है यहाँ पर, और नुखरे भी है, 3 नुखरे भी इनके पास, 3 नुखरे हैं, नुखरे भी हैं, 3 नुखरे भी हैं। तो अब हम इनसे मालूम करते हैं साहिवाल भी है, चोलिस्तानी बच्चे भी हैं, कितना जानवर का मांगते हैं। और इनके पास नस्ल जो है वो साहिवाल है, चोलिस्तानी नस्ल भी है, और सिब्बी भी है यहाँ पे, नुखरे भी इनके पास मौजूद है। अब हम इनसे पूछेंगे कि इन जानवरों के कितने डिमांड कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? ये आपके जानवर है, आप कहते हैं कि आपका 60 के करीब यहाँ पे जानवर है। कौन कौन से नस्ल के आपके पास जानवर हैं यहाँ पर? सिब्बी का है, इधर पंजाब के हैं, सिब्बी है, पंजाब है, साहिवाल और चोलिस्तानी। ये मतलब ये बड़ी बड़ी बियर्ड के आपके पास जानवर है। तो सबसे बड़ा जानवर आपके पास कहने ये है आपके पास, ये कितने मन का होगा आपका जानवर? 10-12 मन होगा, 10-12 मन का। इसकी क्या डिमांड है? 4 लाख रुपए डिमांड, 4 लाख रुपए डिमांड, यानी कि सही है डिमांड। तो ये इन्होंने 4 लाख रुपए सही डिमांड की है इसकी। हाँ, फाइनल कितने देने के? फाइनल ये होगा 3.5 लाख रुपए डिमांड, तो सही है डिमांड। तो मतलब पीछे से जानवर माशाल्लाह से बड़ा भी है, ये भी 2 दांत का है, 4 दांत का, 2 दांत का, और ये सिर्फ भी है, और इसके ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, ये 5 लाख रुपए, लेकिन ये तो उससे थोड़ा सा छोटा है। नहीं है छोटा, छोटा नहीं है उससे, ये भारी है, ये गोल है, मतलब लंबाई में ज्यादा है, ये मोटा है, ये इधर देख, पर ये मोटा है। हाँ, ये थोड़ा फुला हुआ जानवर है काफी, मतलब हाँ पीछे से ये आप देख सकते हैं, मतलब ये इसके मुकाबले में ज्यादा है। 15 मन होगा इसका, 15 मन होगा, 15 मन। फाइनल कितने देने का इरादा है? 4.5 लाख रुपए फाइनल, 4.5 लाख रुपए, और इसके बराबर में ये 5 लाख रुपए का, ये भी 5 लाख। इसका कितना वजन होगा? ये भी होगा 14-15। तो ये भी कितने है? 4, ये 4.5 का, ये भी 4.5 का, और ये कौन सी वाटा मिला? नुखरा। तो हमें ये नुखरा और सिब्बी में फर्क क्या होता है? मतलब दोनों एक जैसे ही दिख रहे हैं ना, एक जैसे, ये गुलाबी बच्चे हैं। अच्छा, तो नुखरे में ये होता है कि गुलाबी होता है और सिब्बी में ग्रे का शेड आ रहा होता है। गुलाबी की ज्यादा है, नुखरे की डिमांड ज्यादा है सिब्बी से, बकरों वाला खूबसूरत चीज है बहुत। अभी तो गंदा हो रहा है, ये मिलाओगे हाँ तो पिंक का शेड आने लगेगा इसमें। इसके 5.5 लाख रुपए डिमांड, 5.5 लाख रुपए डिमांड नुखरे हैं। इसका क्या वजन होगा? इसका भी होगा 10 मन होगा, 10 मन। तो फाइनल कितने का देने का इरादा है इसका? 5 लाख, और इसके बराबर में भी नुखरा है ऐसा। ये 3 नुखरे हैं, 3 नुखरे हैं, और यहाँ पे 3 सिब्बी है। ये नुखरा कितने का? 4.5 लाख रुपए, 4.5 लाख रुपए का। 2 दांत, सब 2 दांत, दो दांत, और ये 2 दांत। इसकी क्या डिमांड है? 3.5 लाख रुपए। इसका भी वजन तकरीबन 8 मन, हाँ ऐसे ही होगा। और इसके ये कौन सी नस्ल का है? चोलिस्तानी,
साहिवाल साहिवाल दो दांत का ये भी क्रॉस है ये भी क्रॉस है अच्छा ये क्रॉस है देख बजरा है तो ये भी माशाल्लाह से काफी खूबसूरत है बहुत से लोगों ये कलर पसंद आता है वैसे ये दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं ना तो इसलिए गंदा भी 150 होता है ये कितने का देने का इरादा तो गाइस इनका कहते हैं कि 3.5 लाख रुपए फाइनल है 3.5 लाख रुपए इन्होंने डिमांड की है इसके क्या मांग रहे हैं इसकी नस्ल क्या है चोलिस्तानी है ये प्योर चोलिस्तानी क्रॉस व्रास वगैरह नहीं है असल पहचान क्या होती है क्रॉस और प्योर झालर नाप अच्छा झालर से वाला चल रहा है अच्छा ये 3.5 में देंगे डिस्काउंट इसमें भी 10% ये भी अच्छा लगा इसके झालर देखिए ये भी काफी खूबसूरत बछड़ा है ये बहुत ज्यादा वेलवेट का शेड मार रही है ये मतलब शाइनी है इसकी स्किन जो है थोड़ी यहाँ पे शाइनी नजर आ रही है इसको दूध नहीं पिलाया इंजेक्शन वगैरह 15 दिन लगते हैं घर का पलावा है घर का पलावा है गंद मुझे खाते हैं यानी कि वो जो शहर में बनाने के लिए इंजेक्शन ज्यादा बड़ा करने वाला तो नहीं ना जो नहीं नहीं वो नहीं है वो नहीं यानी घर का पलावा है घर का पलावा ये गंदे में आटा खाते हैं बाबा इसके 3.5 लाख रुपए इसके 3.5 लाख रुपए डिमांड सही है भाई मतलब शुरू की मंडी से तो इनकी डिमांड काफी बेहतर है मतलब शुरू में इसी बछड़े के मांगेंगे 6 लाख रुपए 7 लाख क्योंकि काफी खूबसूरत भी है हर साल के आते हैं अच्छा ये कितने का फाइनल लोगे 3.5 बोल दो नाम हम सीधा देंगे 5000 कम होगा ये तो कम है चलो लेकिन जानवर के हिसाब से मतलब खूबसूरत जानवर है ये खूबसूरत है भाई बोल रहे कि अगर कोई लेने आता है वीडियो से तो उसके लिए 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए और इसके बाद ये आपका जानवर दिख रहा है ये क्रॉस है चोलस्तानी और क्रॉस है नुखरा और चोलिस्तानी का क्रॉस है अच्छा इसकी शक्ल जो है थोड़ी नुखरे 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 टाइप की लग रही है मगर इसकी शेड जो चोलिस्तानी टाइप की थोड़ी अच्छा इसके क्या मांग रहे हैं इसके 3.25 लाख 3.25 लाख देने का क्या कहता है 2.5 दो दांत का है ये दो है दांत दो है और ये भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है गंदा हो रहा है ये भी चोलिस्तानी है इसका कितना वजन होगा इसका 8-9 मन वजन होगा तो ये भी 2 दांत या 4 दांत ये भी 2 है लाला और इसको कितने में देना है फाइनल इसको फाइनल 3 लाख में 3 लाख में कोई 2.5 लगाए ढाई से ऊपर है तो ये जानवर आप सारे यहीं पालते हैं कहीं से लेकर आते हैं अपने गांव में पालते हैं गांव में पालते गांव से पाल के यहाँ लेकर आते हैं लेकर आते मतलब इसी बाड़े में नहीं पालते हैं इसके ऊपर इसकी स्किन थोड़ी अलग सी दिख रही है सारे जानवर से ये भी नुखरा है ये नुखरा है इसे प्योर नुखरा है क्रॉस है ये क्रॉस है पंजाब और साहिवाल और विलायती क्रॉस है विलायती तो ये भी थोड़ा खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे इसका अभी 9 मन से ऊपर होगा 9 मन बच रहा है 2 दांत ये 2 है का और इसके बाद एक और बछड़ा यहाँ पे दिख रहा है ये भी कलर खूबसूरत है अम लखा इस बार यार ऐसे ऐसे नाम सुनने मिल रहे जो आज तक नहीं सुने गाइस ये भी एक नया नस्ल हमें देखने को मिल रहा है अम लखा सदा घुराव ने यार अम लखा ये कितने तक देने के राधा है सदा चावने ये कुपेसरी आयो बड़े रे गुन हम लखा कितने तक देंगे वाले ओए हम लखा ये 3.5 लाख रुपए इसकी सींग भी काटी गई हां सींग काटी है इसकी मतलब सींग बड़ी वालों ने काट ली थी उधर से लेके आए उधर से व्यापारी से मैंने खरीदा तो ये सींग क्या है इसके अभी कटा मतलब इसमें से ये अभी गाड़ी में से थोड़ा सा खून मून निकल रहा है पानी निकल रहा है इसकी सींग से ये जो घास खाया है ना उसी का पानी लगा है अच्छा पानी लगा मतलब पानी में मुंह घुस रहा है ना पानी में पानी वंडा खाया है अच्छा 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 ये कितने तक दे दोगे फाइनल फाइनल ये 3 या 2.5 लाख फाइनल अच्छा और ये भी थोड़ा गोल मोटा दिख ये साहिवाल है ये साहिवाल है ये भी साहिवाल है अच्छा इसकी स्किन अच्छी लग रही है देख शाइनी स्किन है इसकी मतलब ऐसा लग रहा है वो क्या कहते हैं देख अभी 1.5 इसके क्या मांग रहे हैं इसके 3.5 लाख रुपए इसके 3.5 लाख रुपए फाइनल कितने का देना है 3 लाख रुपए 3 लाख रुपए 3 लाख तो इनकी डिमांड सही है मतलब ये भी 10-12 मन होगा और जब कोई लेने आएगा तो वो कर लेगा और कुछ करेंगे इसमें कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे 10 मन और ये भी सही है अच्छा है माशाल्लाह से हाँ सारी बछड़े इनके पास खूबसूरत है यार सभी वेलवेट कितना शाइन मार रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है नस्ली बछड़े लग रहे हैं इनके पास मतलब सारे नस्ल वाले बछड़े सारे खूबसूरत हैं और ये खुद बोल रहे हैं कि दूध वगैरह नहीं पिलाया इन्होंने दूध नहीं पिलाते हम नहीं बोलते और ये भी थोड़ा खूबसूरत है मतलब ये भी काफी खूबसूरत बछड़ा है इसके 2.5 लाख और इसके इसके 3.25 लाख और इसके फाइनल फाइनल 2 डेढ़ लगाए कोई नहीं दूर है
दूर है। अच्छा कितने तक? एक साठ, एक साठ नहीं सत्तर, एक अस्सी लगा इसका। एक अस्सी लग गया, आपने नहीं दिया? नहीं दिया। अच्छा, यानी कि एक नब्बे लगाया कोई देर के? नब्बे बताइए। दस हजार की वजह से आपका सौदा रुक गया। इसके दस हजार है ना। वजन कितना होगा इसका? वजन होगा सात मन तक होगा। और इसके पीछे जो ये नौ मन तक होगा। यार इसकी झालर अच्छे लग रहे हैं, इसकी स्किन जो बोस टाइप का है। इसके पीछे वाला भी है, उसकी भी स्किन काफी खूबसूरत है। सारे खूबसूरत है, खूबसूरत तो सारे चुने हुए मंडियों से। और वो जानवर दूसरे व्यापारी के पास नहीं होंगे। हाँ, एक से बढ़ के एक बछड़े इनके पास सारे। सारे ये गंदम के पले हुए हैं। चोलस्तानी है ये भी, चोलस्तानी ये भी चोलस्तानी है। ये कितने तक देने के इरादे है? ये तीन लाख, तीन लाख अढ़ाई लाख का सौदा हो जाएगा। कोई दो बीस लगा दे, दो बीस में भी देंगे। चले ऐसे ठीक, बस आपके लिए। और इसके पीछे एक बड़ा सा दिख रहा है। हाँ ये भी बड़ा है, इधर वो भी चोलस्तानी है। ये इसका जुड़वा भाई, जुड़वा है, जुड़वा है, पहले ही जुड़वा लेना चाहिए। जोड़ी देंगे पाँच लाख में। पाँच लाख में तो पाँच लाख ढाई ढाई का पड़ेगा, ढाई ढाई का। कितना वजन होगा जोड़ी का पूरा? आठ आठ मन होगा, आठ आठ सोलह मन दोनों का जानवर का। यानी दोनों दो दो दांत के, दो दो दांत के। तो जुड़वा है तो दो दांत के होंगे, सात हुए होंगे दो दांत। क्या है? और इसके बाद दो टक्करे मार रही है रवाज भाई गाय, टक्करे मार रही है भाई। ये भी जोड़ी में है, ये भी जोड़ी है। ये कितने की दे रहे हैं? साढ़े तीन लाख रुपए। और जोड़ी में दोनों के? जोड़ी के छह लाख रुपए। और ये कॉर्नर वाला कौन सा है? ये कौन? ये भी चोलिस्तानी है। साढ़े चार सौ रुपए। पाँच लगा दे, ये जोड़ी के, जोड़ी के पाँच लाख ये कह रहे हैं। अच्छा, और वो कौन से? चोलिस्तानी है ये। वो कितने का देंगे? दो सत्तर का होगा। दो लाख सत्तर हजार रुपये। दो में? ढाई में होगा फाइनल। अच्छा, ढाई। और इसके बाद इनके पास बहुत सारे जानवर का है। तो ये काफी खूबसूरत जानवर है, बछड़ा इनके पास मौजूद है। कितना वजन होगा ये? काफी ऊपर है। तो ये इतना नाराज क्यों लग रहा है? नाराज नहीं है, देख रहा है ना इतने बंदे। अच्छा, ये घबराया हुआ है? घबरा हुआ है, समझ रहे अभी पटक देंगे। इसके कितने मांग रहे हैं? इसके इसके साढ़े चार लाख रुपए। साढ़े चार लाख रुपए। अगर कोई तीन लगाए? तीन लगाए तो दे देंगे, तीन में दे देंगे। डेढ़ लाख रुपए का है इसमें। और इसके बाद ये जानवर जो है, ये देखो, पहले ये देख लेते। ये चार का है, ये चार लाख रुपए का। चार लाख रुपए। और इसके कोई ढाई लगा दे? ढाई से ऊपर, ढाई से ऊपर है। इसके सही लगे, खूबसूरती है। ये बात है, ये कितने तक देने का है? फाइनल फाइनल ढाई का। दो साठ होगा, दो साठ। कितने दांत का? दो, दो दांत। वजन कितना होगा इसका? ये होगा दस में, दस दस होगा, दस दस मन होगा। शरीफ है ये, शरीफ है। इसके बाद ये वाला दिख रहा है, किसका करते हैं? काला चीना, काला चीना, काला चीना। इन्होंने इसका नाम भी रखा है काला चीना। इसका नाम भी है नस्ल जो है ये साहिवाल का है। अच्छा, नाम रखा है मोहब्बत में, काला चीना। काला चीना नाम रखा है मोहब्बत। अच्छा, ये कितने का लेने काला चीना? ये दो बीस का देगा, दो बीस का। कोई एक सत्तर लगा दे? एक सत्तर में नहीं होगा, अस्सी में। अस्सी में होगा, बस एक अस्सी में भी दे देंगे। कितना वजन होगा इसका? आठ मन होगा, आठ मन होगा। दो दांत, दो है। और इसके बाद ये मक्का चीना, मक्का चीना साहिवाल, साहिवाल। ये प्योर है मक्का चीना या प्योर? प्योर। अच्छा, ये कितने का? ये दो चालीस, दो चालीस। फाइनल फाइनल दो दस, दो लगाए। मतलब इनका बार्गेनिंग, बार्गेनिंग सही, दस बीस हजार रुपए में नहीं हो रहा है। ये अमलक है, अमलक, दोबारा फिर से अमलक। खूबसूरत बच्चे हैं, खूबसूरत है। गोल मोल है ना, ये भी जुड़वा है, ये भी जुड़वा, ये भी जुड़वा है। इनके पास टोटल तीन जुड़वा मौजूद है, यानी तीन जोड़िया है आपके पास, तीन चार जोड़िया, नुकरे की जोड़ी है। अच्छा, ये कितने ही देंगे जोड़ी? ये पाँच लाख, पाँच लाख की जोड़ी फाइनल। कोई चार लाख रुपए लगाए जोड़ी? ये नस्ल जो है महंगा है, ये कम मिल रहे हैं वहाँ से, बच्चे कम मिल रहे हैं। ऐसे मंडी में आपको मना कम मिलेंगे, नहीं पास नहीं होंगे। या अभी जो पिछला लोग चच्चा को बनाया था, उनसे कम रेट है। हाँ, उनसे कम रेट है, उनसे कम रेट है। पीछे की मंडी, शुरू की मंडी से जो है काफी इनका अच्छा रेट है। सौदा देने वाला बात करेंगे, ये बेचने के मूड में है ये। अच्छा, ये चार कितने बोले? चार तक दे देंगे ये। हाँ, ये चार, साढ़े चार तक जोड़ी, साढ़े चार तक जोड़ी। ये बुरा नहीं है सौदा, बेहतरीन है। मतलब चार में भी फिर भी है खूबसूरत। से लोग पाँच पाँच छह छह लाख रुपए का जानवर लेते हैं। ये कलर तो छह लाख उसका मन ज्यादा होगा। ये कलर कम मिलेंगे मंडी में? ये साहिवाल का है, ये साहिवाल का। दो दांत, ये दो आया। अच्छा, इसके कितने फाइनल है? फाइनल इसका एक अस्सी, एक अस्सी।
इसमें कम नहीं कराना चाहिए, कराना चाहिए 10,000 कम होंगे। सही है, 170 कह रहे हैं ये, तो 170 में तो सही है, एकदम जायज है, कम नहीं कराना चाहिए, काफी बड़ा लग रहा है। अब ये आखिरी आपको दिखाते हैं, पास और भी जानवर दिख रहे हैं, वो जानवर भी काफी खूबसूरत लग रहा है, उसको भी हम जाके अभी देखते हैं। हाँ ये भी जानवर अच्छा लग रहा है, तो गाइस जानवर काफी खूबसूरत लगा दिया। हाँ ये इसकी स्किन भी काफी शाइनी है, कुछ लगाया मगा इसके ऊपर? नहीं कुछ नहीं लगाया, ये ऐसी जान ही ऐसी है, ऐसी शाइन कर रहा है, शाइन ऐसे ही करता है, मारेगा मुझे तो नहीं है। ये भी अमलक है, ये भी अमलक है, चोलिस्तानी और साहिवाल क्रॉस है, चोलिस्तानी साहिवाल क्रॉस। अच्छा इसकी दो दांत ये भी दो है फाइनल इसका। हाँ बताया रेट, रेट बताइए इसका क्या? 5 लाख रुपए रेट, 5 लाख रुपए। कितना वजन होगा इसका? ये होगा 12 मन होगा, 12 मन होगा। कोई इसके 3 लगा दे, 3.5 में फाइनल होगा, यानी 1.5 लाख रुपए। सही है, तो गाइस ये बछड़ा मुझे भी मतलब काफी खूबसूरत लग रहा है। अरबाज भाई की इस साल की पहली और आखिरी मोहब्बत तो नहीं है? नहीं भाई, क्या हो गया, अभी कोई और है भाई? पर्सनल लाइफ डिस्कस कर रहे हो? पर्सनल नहीं, जानवरों में यार। नहीं जानवरों में मतलब, हाँ इससे मोहब्बत हो गई जानवरों में। अच्छा इसका तो हो गया अरबाज भाई, ये भी अमलक। ये भी अमलक, ये थोड़ा सा दबा दबा लग रहा है या मेला हो रहा है? मेला हो रहा है, फिर भी ये खूबसूरत है, लेकिन मेला हो रहा है इसलिए थोड़ा सा खिल रहा नहीं है ना। बाकी इनके जानवर सारे खूबसूरत है। कितने का देने का इरादा है इसका? इसका फाइनल 220 का इरादा है, 220 का। कोई 170 लगा दे। हाँ 170, दो का फाइनल, दो ज़्यादा है इसके, दो दाम सारे दो दाम, लेकिन दो इसके ज़्यादा हैं, पिछले जानवर इससे बड़ा है। भाई इनको ज्यादा पता है, हमें तो देखने में लग रहा है ना, ये इनको ज्यादा पता है कि कौन सा जानवर ज्यादा भारी है। 8 मन होगा, 8 मन। हमारे पास, हमारे सामने ये बाड़े के दो मालिक मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? शाहजेब। तो भाई ये शाहजेब साहब है, और आपका नाम? जुहेर साहब है। तो आपके बाड़े का नाम है कोई? हाँ बाड़े का नाम है हमारा सेठ मीरा का बाड़ा है। ये नाम कोई नाम इसका है, जरवार कैटल फार्म। जरवार कैटल फार्म, जरवार कैटल फार्म इनके बाड़े, सईदाबाद थाने के नजदीक है ये, नेवल मंडी माचगोट इसका नाम है। अच्छा इसे यूसुफ गोट भी बोलते हैं? यूसुफ गोट भी। अच्छा आप अपना नंबर बताएं? 034 034 77 77 22 22 71 71 49 49। हर वक्त आपका ये नंबर ऑन होता है? इस पर व्हाट्सएप वगैरह है? व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा किसी को जानवर पसंद आता है और वो आता है वीडियो देखकर, इस पे कांटेक्ट कर सकता है, और डिस्काउंट वगैरह देंगे? जरूर। यानी कि किसी को जानवर, इसमें से इनके पास तकरीबन 60 के करीब जानवर थे, हम लोगों ने ज्यादा से ज्यादा कोशिश की थी कि ज्यादा से ज्यादा इनके जानवर को दिखा सके, लेकिन अब भी हम लोग इनके तमाम जानवर को कवर नहीं कर सके। लेकिन जिसको कोई भी जानवर पसंद आ जाता है वो इनसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, इनका व्हाट्सएप नंबर हम लोगों ने दे दिया स्क्रीन पे, इंशाल्लाह उनके साथ आप लोग मुनासिब करेंगे, जो हम लोग का रेट बताए उससे कम में ही देंगे। यानी इनका रेट पहले ही मतलब मुनासिब है, और कहते हैं कि और इनसे कुछ आगे पीछे करेंगे। तो आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा व्लॉग बनाकर। तो हम अभी यहाँ से इस बाड़े से निकले, हमने आपको दिखाया इनके पास माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत जानवर मौजूद है, और इनके जो रेट है वो भी काफ़ी मुनासिब है। मतलब हम जब जानवर एक तो खूबसूरत और ऊपर से भारी और ऊपर से रेट भी सही, रेट इनकी बार्गेनिंग भी अच्छी है। मतलब इन ये जो दो ढाई ढाई लाख रुपये इन्होंने कम किए, और काफ़ी मुनासिब रेट है इनके। हम जब आगे हमने जब ब्लॉग बनाया तो उन वहाँ का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा है, ये छोटे छोटे बच्चे के मांग रहे हैं 1.20 1.30। मतलब जो जानवर इनके पास 50-60 का है वो कह रहे हैं कि 1 लाख 20 1 लाख 20, और ऐसे ऐसे जानवर का वो कह रहे हैं कि 10 लाख 12 लाख से नीचे तो आ रही नहीं है। तो ये मंडी ये जो थोड़े अंदर के साइड है, और ये कहते हैं ये 12 महीने वाले इनका हिसाब किताब है, मौसमी नहीं है। एक होते हैं मौसमी, गांव से आए अपने जानवर बेचे और निकल गए, इनका हिसाब किताब वो नहीं है। ये कहते हैं कि ये 12 महीने यही काम करते हैं, और इनका बाड़ा जो है 12 महीना यहाँ पे खुले रहता है। तो इनके रेट जो है काफ़ी मुनासिब, और इनके अखलाक भी काफ़ी अच्छे हैं। मतलब इन्होंने हमें बिठाया है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी यहाँ पे पिलाई है हमें, तो इनके भी अखलाक काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे, और इनके जानवर भी अच्छे हैं, इनके अखलाक भी अच्छे हैं। तो जानवर भी खूबसूरत है इनके, आप देख सकते हैं। आगे भी इनके एक और बाड़ा है, वहाँ पर भी इनके जानवर मौजूद हैं। तो यही था हमारा आज का व्लॉग, जिसके अंदर हम लोगों ने 2-3 व्यापारियों के पास गए और आप लोगों को जानवरों के रेट दिखाए, और इसमें आप लोगों को दिखाया कौन सा जानवर कितने का, सबसे अच्छे रेट कौन से लगे जानवरों के, सबसे अच्छे रेट जिन भाई के पास तकरीबन 60 जानवर मौजूद थे, जिनका दो और जिन्होंने कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाई थी। हमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पिलाई है भाई, हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पिलाई इसलिए बिल्कुल तारीफ नहीं कर रहे। आप लोग जानवर दिखाए 8-10 मन जानवर के, उन्होंने रेट इतने अच्छे बताए, और जानवर खूबसूरत भी थे काफ़ी, और इसके अलावा और भी व्यापारियों के पास गए। तकरीबन आज 2-3 व्यापारियों को हम लोगों ने कवर किया इसकी आज की स्टूडियो के अंदर, और पूरे नेवल में आप लोगों को घूम के दिखाया। भाई अभी हम यहाँ पे स्टॉप इसलिए थे क्योंकि हमारे जान भाई थोड़ा डोनेशन करने चले गए थे, तो
उनके जो पुराने दोस्त यार ही मिल गए थे तो उनके पास थोड़ा ये। तो भाई आज का अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, और चैनल पे पहली बार तशरीफ लाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, हर हाल में दबाना है ताकि इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स मिले। अगर आप लोग बच्चिया खरीदना चाहते तो भाई इसके लिए भी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी ना, बच्चिया के ऊपर भी हमारी वीडियो मौजूद है, जहाँ पर हमने सिर्फ बच्चे के ऊपर बात की, उस वीडियो को हम लोग एंड स्क्रीन में शो करा रहे हैं, उसे देख लें। और इधर हम लोग ने इस मंडी का सबसे जीता हुआ जानवर 25 लाख रुपए का दिखाया था भाई, जिसने 1 लाख रुपए का इनाम भी जीता था, उस जानवर को शो करा रहे हैं इस चैनल का। तो भाई आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, अब हम मजीद ब्लॉग आगे बनाएंगे तो अभी हमें घर भी जाना है, मतलब अंधेरा हो गया, यहाँ तो घूम नहीं सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम इस वीडियो को बंद करते हैं।